हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक विशिष्ट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सभी साइबर कैफ वाले या फिर हमारे जो भी दुकान वाले होते हैं, कंप्यूटर्स वाले, सभी के पास एक एक CCID ज़रूर होता है, और वो मैंने भी अपनी पास करवाया है। तो आज हम बात करेंगे कि CCID कैसे हमारे क्रिएट किए जाते हैं, इसका क्या प्रोसेस होने वाला है। आज मैं आपको एकदम गहरी पूरी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसका रियलिटी क्या होती है, CAC कैसे पास किए जाते हैं। और आप सभी को पता होगा कि CAC से आप कोई भी काम करते हैं तो उससे में आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिल ही जाता है। अगर मान लीजिए आपने किसी कस्टमर से नहीं कुछ कमाया, कोई बात नहीं उससे, लेकिन CAC की तरफ से उसी में आपको माइनस करके ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिल वगैरह भरते हैं जिसमें आपको मान लीजिए कि 70-75 रुपये का आपका बिल है, कम से कम देख से सुन सकते हैं आप लोग, 70-75 रुपये के बिल में लगभग आप 5 या 10 रुपये आपको बच जाते हैं, 7 रुपये या फिर 8 रुपये तो एकदम नेसेसरी है। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने CAC ID को कैसे अप्रूव करवा सकते हैं और आप एक CAC सेंटर कैसे खोल सकते हैं। देखिए, जिसका CAC ID मिल जाता है उसी को बोलते हैं CAC सेंटर। उसका एक CAC सेंटर मिल गया, अब वो चाहे तो जनता के लिए कोई भी, पब्लिक के लिए कोई भी काम कर सकता है, लेकिन वो प्राइवेटली करेगा, सरकारी की तरफ से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से करेगा लेकिन प्राइवेटली करेगा। जैसे बहुत ऐसे काम होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कमीशन मिलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें प्राइवेटली नहीं चलाते, सरकार की तरफ से ही चला देते हैं। जैसे बहुत से सेंटर्स चलते हैं हमारे PNG दिशा जो भी सेंटर्स वगैरह हैं, तो ये हमारे चलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये KYP वगैरह है, जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का जो भी सेंटर है, ये हमारा गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं, जिसमें हम लोग जो कस्टमर होते हैं, जो भी मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, उससे पैसा नहीं लिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उसका बोनस मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कैसे आप अपनी एक CAC ID ले सकते हैं और आप अपनी कमाई कहीं भी रखे कर सकते हैं। CAC ID में लोकेशन एक देना होता है बस, कि यहाँ के ले रहे हैं, लेकिन उसको आप कहीं भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ बिहार में, आउट ऑफ अपने स्टेट में कहीं भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इस वीडियो को आप लोग मिस मत करना, क्योंकि अगर आप मिस कर देते हो तो आप नहीं सीख पाओगे। मैं आपको, अगर आप सच में एक CAC ID लेना चाहते हैं तो इस वीडियोस को ज़रूर देखना। सबसे पहले क्या होता है, हमारा एक CAC ID पे हमारा, मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूंगा, उस पर एक रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, जिसमें आपके आपके नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर और सब उसमें इंटर किए जाते हैं। और उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा एक TEC नंबर मिलता है, और उसके बाद हमें एक असेसमेंट देने होते हैं। असेसमेंट में हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे VLE यानी विलेज लेवल इंटरप्रेनर, अगर आप CAC VLE हैं तो विलेज लेवल इंटरप्रेनर हैं, जो बिजनेस के तहत होती है। TEC का फुल फॉर्म होता है टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर। अगर आप TEC का एग्ज़ाम दे दिए हैं, अगर आपका सर्टिफिकेट हो, अगर मान लीजिए कि मिल गया है, या फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन किए, आपको TEC सर्टिफिकेट नंबर मिल गया है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को TEC नंबर मिलता है और उसी नंबर पर हमारा सर्टिफिकेट नंबर होता है। आप चाहे तो असेसमेंट दे सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करके भी CAC अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असेसमेंट देकर और सर्टिफिकेट ले लेने से बढ़िया रहता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप किसी कारण से, अगर आपका जो TEC नंबर है वो तो मिल गया, लेकिन अगर टेस्ट दिए और TEC का सर्टिफिकेट, मान लीजिए कि TEC का आपने टेस्ट दिया और दो बार अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आपको फिर से 1500 रुपये का, लगभग 1469 रुपये का आसपास कटता है, उतना पेमेंट करके फिर से आपको टेस्ट देने होते हैं, और उसके बाद आप CAC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि TEC नंबर मिल गया आपको, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया और CAC के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप फेल हो गए, तो आपका CAC सेंटर पास नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे बेहतर रहता है कि अगर आप पेमेंट वगैरह कर दिए, तो सबसे पहले उसको टेस्ट को दे दें, अपना सर्टिफिकेट ले लें, और उसके बाद CAC अप्लाई करें। अगर आप कॉन्फिडेंस है आपको कि मैं पास कर जाऊंगा, या फिर कोई आदमी है जो मैं टेस्ट दिलवा सकता है, तो आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करके भी CAC अप्लाई कर सकते हैं। CAC अप्लाई करने के बाद आपको ये नेम, बैंक खाता, फ़ोटोस वगैरह सब लगते हैं। बैंक खाता के फ़ोटो होते हैं जो हमें अपलोड करने होते हैं, अपने सभी डिटेल्स देने होते हैं, और हमारे सेंटर का क्या नाम रहेगा ये भी देने होते हैं। सेंटर का लोकेशन पूरा डाला जाता है। इतना डालने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है और एक रेफरेंस नंबर आता है। रेफरेंस नंबर आने से पहले
हमारे जो मेल आईडी दिए होते हैं उस पर और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आते हैं। ये मैंने भी किया था, तो हमको लगभग 3 दिन लग गए थे, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था तो उस समय सीएससी का साइट बराबर नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैंने 3रे दिन लगभग सुबह 6 बजे किया था, तो उस समय मेरा अप्लाई हो गया, कोई दिक्कत हमको नहीं हुआ। ओटीपी मतलब नहीं जा रहा था, कभी मैंने अप्लाई करता था तो, और जाता भी था तो आधे फिर 1 घंटे बाद ही जाता था, तो दिक्कत हो जाता था, लेकिन सुबह मैंने एक बार ट्राई किया तो उसी समय चला गया, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया। और अप्लाई सीएससी अप्लाई करने के बाद आपको एक फ़ोटो, जो हमारे रिसीविंग निकलते हैं वो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बैंक खाते जो भी होते हैं, और हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड सभी के जीरेक्स होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सीएससी के डीएम होते हैं, उनको हमें सबमिट करना होता है। अब वहाँ से हम लोग विजिट कर लेते हैं, बताते हैं इस नाम से अप्लीकेशन है, रेफरेंस नंबर वगैरह जो रिसीविंग मिलता है उसको भी दे देते हैं। अप्लाई करने के बाद, वहाँ से विजिट करने के बाद हमारे पेपर रिव्यू में जाते हैं, जिससे हम चेक ये वेरिफिकेशन किए जाते हैं कि इसका स्थाई कहाँ है, कहाँ के नाम पर सीएससी लेना चाहता है। इसी के साथ हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटैच किए जाते हैं, क्योंकि मेरे नाम हमारे नाम पे कोई केस वगैरह या फिर कुछ दर्ज तो नहीं है। अगर हमारे नाम पे ऐसा कुछ है तो हमें सीएससी आईडी नहीं दिए जाएंगे और हम एक सीएससी सेंटर नहीं ओपन कर सकते हैं, क्योंकि सीएससी एक स्कीम है जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है, वो वही व्यक्ति खोल सकता है जिसके नाम पर केस फौजदारी किसी प्रकार की केस नहीं हो। इतना करने के बाद हमारे, अगर मान लीजिए कि पेपर वेरिफिकेशन के बाद सब सही आते हैं, तो उसके बाद हमारे पेपर हमारे सीएससी आईडी को क्रिएट कर दिए जाते हैं। हमारे मेल पे मैसेज आते हैं कि योर सीएससी आईडी हैज़ बीन क्रिएटेड, योर वेलकम टू सीएससी फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर सीएससी आईडी हैज़ बीन क्रिएटेड, ऐसे आता है। और एक स्टेटस के लिए नीचे लिंक दिया होता है, उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद अपने रेफरेंस नंबर को डालते हैं, तो उसमें दिखाता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, योर सी एस सी आई डी जितना ऐसा लिखता है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें फॉरगेट आई डी पे जाते हैं, फॉरगेट पासवर्ड पे जाते हैं। सी एस सी आई डी डालने के बाद हमारे मोबाइल पे मैसेज आते हैं, मेल पे भी मैसेज आते हैं, वो हमारे वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, और उसके बाद हम अपने सी एस सी आई डी का पासवर्ड चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद आप चाहे तो जब भी अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, आपको बस अपने फिंगर रख के अपने सी एस सी आई डी यानी सेंटर की एक सर्टिफिकेट निकालनी होती है। सी एस सी सर्टिफिकेट निकलने से पहले हम अपने सी एस सी आई डी को जब लॉगिन करते हैं, पासवर्ड को क्रिएट फॉरगेट करके फिर से लॉगिन करते हैं, तो उस समय हमें ये साइट पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन से डिवाइसेस हैं, और कुछ हमारे नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करने होते हैं। वो हमारे फिंगरप्रिंट, मोर्फो, मात्रा, आयरिस सभी डिवाइसेस के बारे में पूछते हैं, और आपके सिस्टम्स के बारे में पूछते हैं, और ये पूछते हैं कि आपके सेंटर्स में कौन कौन व्यक्ति जा सकता है, कौन कौन व्यक्ति नहीं जा सकता है। जैसे कोरोना टाइम में मेरे ये भी पूछा था कि अगर आपके सेंटर में कोई व्यक्ति बिना मास्क का जाता है तो आप उसे एंट्री देते हैं कि नहीं, तो मैंने नो कर दिया था। और उसके बाद मैंने सी एस सी आई डी को लॉगिन किया, प्रोफाइल पर गया, तो सी एस सी में लिखा था कि डू यू वांट टू बी अ बी बी पी एस एजेंट, तो मैंने उसे अलाउ कर दिया, और उसके बाद मैं अपना सी एस सी सर्टिफिकेट लिया और मैंने अपना डी जी पी ऑन किया, तो इस टाइप से मैंने अपना सर्टिफिकेट निकाला। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस को मिस नहीं, अगर आप आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और बगल में लाल बटन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलेगी, आपको मिलेगी। एक वीडियोज़ को बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है, तो इसलिए एक वीडियोज़ पे एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस प्रोसेस को जान सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।